नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के घर में बदमाश घुसे और बंदूक की नोक पर प्रॉपर्टी ब्रोकर को बंधक बना लिया। फिलहाल कुत्ते भौंकने पर आरोपी वहां से भाग गए, तो वहीं प्रॉपर्टी ब्रोकर ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की है और पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के राजमहल कॉलोनी का बताया जा रहा है। राजमहल कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर गोविंदा के घर में तकरीबन 4 से 5 बदमाश घुसे और पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाने का प्रयास किया गया। इस दौरान घर में अन्य लोग भी मौजूद थे और उनकी पत्नी भी मौजूद थी। सबसे पहले बदमाशों ने महिला को ही बंधक बनाया और घर में मौजूद सोने चांदी के जेवरात और नकद देने की बात कही, लेकिन इसी दौरान घर के बाहर मौजूद कुत्ते भौंकने लग गए तो आसपास के लोग भी उठ गए और बदमाशों ने पकड़े जाने की संभावनाओं को देखते हुए वहां से कुछ ही देर में फरार हो गए। इसके बाद प्रॉपर्टी ब्रोकर ने पूरे मामले की शिकायत जूनी इंदौर पुलिस को की और जूनी इंदौर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजमहल रोड है जो कि जूनी इंदौर के अंतर्गत है, वहां पर सुबह लगभग 6:30-7 के बीच में कुछ अज्ञात बदमाश थे जो कि एक घर में जाकर घर में घुसे और वहां पर चूंकि एक जो महिला थी उनको बांध दिया और उसके बाद वहां पर बांध दिया। तब तक इनका जो जो डॉग था और इनके जो पति जो घूमने गए हुए थे वो घूमकर आए और जो कुत्ता आ गया था उनका, जब कुत्ता भौंकने लगा तो ये सभी लोग भाग गए। इसमें कुछ एक के पास कट्टे जैसे ही चीजें दिख रही जो कि सीसीटीवी में देखा गया है। 8 बदमाशों के खिलाफ डकैती के प्रयास का मामला थाना जूनी इंदौर में पंजीबद्ध कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जल्दी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर फर्दर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।